और न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम सियासत के अरमानों की बात करेंगे, आज हम सियासत के सीरियस लीडर की बात करेंगे जिस पर जनता भरोसा करती है, आज हम सियासत की मजबूरियों की बात करेंगे और ऐसे लोगों की भी जो अपनी पार्टी की विचारधारा को भी छोड़कर आगे के रास्ते पर चलते हैं। आइए आपको बताएंगे आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले जनता का भरोसा पंजाब में क्यों नहीं जीता और यही नतीजे पंजाब के पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी के लिए क्या सबक लेकर आए हैं और बीजेपी ने क्या मेगा प्लान बनाया है जिससे पंजाब के जो नतीजे हैं वो पंजाब का रिजल्ट बीजेपी को टेंशन दे गया। राहुल के अटैक पर बीजेपी का काउंटर प्लान, किसान आंदोलन से हानि पर बीजेपी का मंथन, में चौकड़ी के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी। 2022 से पहले तिकड़ी ने झोंक दी पूरी ताकत। राजस्थान में बीजेपी को बड़े नुकसान का डर, क्या मोदी के मेगा प्लान से मानेंगे किसान? लेकिन सवाल तो बीजेपी के सामने यह है कि कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी हुजूर आते आते, क्या वाकई जाट पंचायतों के जरिए और विपक्ष के इस जाट पॉलिटिक्स की वजह से तीन राज्यों में बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, कैसे उसे रोकेगी बीजेपी? देखिए, एमएसपी पे कानून बना रहे, तीन कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे आप? लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। जो तीन कानून इस सरकार ने बनाए हैं राक्षस रूपी कानून है। मोदी जी, ये जो देश है ना, ये एक आंदोलन की बुनियाद पे खड़ा है। ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों का कारवां हर दिन के साथ बढ़ता गया, नए नए किरदार भी जुड़ते गए। सड़क से संसद तक प्रधानमंत्री ने घंटों किसानों के नाम संदेश दिया, विपक्ष पर भ्रम फैलाकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया, कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, लेकिन नतीजा शिफर रहा। न किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, न ही आक्रोश ठंडा हुआ। जब आंदोलन की आंच भारतीय जनता पार्टी के शासित सूबों में पहुंची तो पार्टी के अंदर चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया। वोट बैंक को लेकर लाभ और हानि का गुणागणित किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान का अनुमान हरियाणा और पश्चिमी यूपी में है। सबसे पहले बीजेपी के मंथन की बड़ी बात समझिए। बड़ी बात नंबर एक, बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में अहम बैठक हुई। बड़ी बात नंबर दो, गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री तोमर मौजूद रहे। बड़ी बात नंबर तीन, 10 MP और 26 MLA को फॉर्मूला समझाया गया। बड़ी बात नंबर चार, किसानों के घर घर जाकर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। बड़ी बात नंबर पांच, यूपी में पार्टी के जाट नेताओं को होमवर्क दिया गया। पार्टी अपने किसान नेताओं के माध्यम से किसानों को तीनों कृषि बिलों के फायदे बताने की कोशिश करेगी ताकि उनका भ्रम दूर किया जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री सहित मंत्री और नेता समय समय पर कृषि बिलों के बारे में बताते रहे हैं, लेकिन पार्टी की कोशिश यही है कि किसान आंदोलन से अगर कोई डैमेज हुआ हो तो समय रहते इन नेताओं के माध्यम से उसकी भरपाई कर ली जाए। आपको ये समझना होगा कि बीजेपी को काउंटर रणनीति क्यों बनानी पड़ी, इसका मतलब क्या है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संसद में दिया गया वो बयान सुनिए। सुनो के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। तीन किसान कानून की बात हो और दंगावाद लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के
उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं। इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के पीछे काम कर रही सियासी शक्तियों पर हमला किया, लेकिन किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत को अब तक मोदी के फोन का इंतजार है। सरकार मिले और आपको मोदी जी से लगता है मिलने का मन है? नहीं, हमारा किसी है नहीं, हमारा तो जो सरकार है मिलने का नहीं, पॉलिसी पे काम करें, तो हमारा किसी से कोई मिलने का नहीं। हमने तो जितने भी काम करे, मुझे फनगर का डीएम रहा है तो हमने उससे प्रधानमंत्री का काम लिया। पीएम से मिलने का शौक नहीं, आप कह रहे हैं फिर भी फोन नंबर आप पीएम का बार बार मांगते हैं? नहीं, हम नहीं मांग रहे, कमेटी जो कहते हैं ना कि एक फोन दूर है, वो तो कमेटी बात कर रही है और सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं, तो जो उनकी लाइन पहले थी उसी से बात करके बुला ले अपने लोगों को, पूरी कमेटी है बात करने की। अब तक बात नहीं बनी तो क्या राकेश टिकैत को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपने जाट नेताओं को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतार दिया है? किसान आंदोलन में जाट नजर आने के बाद अब बीजेपी कदम रख गई है। यही वजह है कि उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े जाट नेताओं को मोर्चे पर भेज दिया। पहला नाम केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दूसरा नाम है बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह। आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संजीव बालियान ने आगे ग्राउंड पर जाकर काम करने की रणनीति बनाई। कृषि कानून को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाराज जाट समुदाय को मनाने की कोशिश, किसानों के बीच जाकर कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे बीजेपी नेता। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। पहले बीजेपी इस किसान आंदोलन को पंजाब तक सीमित मान रही थी, लेकिन राकेश टिकैत की आंसुओं की एंट्री के बाद पश्चिम यूपी से लेकर हरियाणा तक लामबंद हो रहा जाट समुदाय बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है, इसीलिए पार्टी ने रणनीति बनाई है और अपने किसान नेताओं के सहारे काउंटर प्लान तैयार किया है। ऐसा क्यों है, आप किसान आंदोलन के जाट फैक्टर से समझ सकते हैं। बीजेपी की नजर खास तौर पर तीन राज्यों पर है। तीन राज्य हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इन तीनों राज्यों में राजनीति की धुरी में जाट समुदाय का अच्छा खासा असर है। पश्चिमी यूपी में जाट जिसके साथ जाते हैं उसकी ठाट पक्की है। ठीक उसी तरह हरियाणा में जाट समुदाय के हाथों में सत्ता की चाबी है। वहीं राजस्थान में भी ज्यादातर किसान जाट समुदाय से आते हैं। कृषि कानून के विरोध में एनडीए छोड़ने वाले हनुमान बेनीवाल भी जाट समुदाय से आते हैं। बीजेपी को समझ में आ गया है कि अगर जाट नहीं माने तो नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी को अब तक विपक्ष से चुनौती मिल रही, लेकिन अब किसान आंदोलन का चेहरा बन चुका जाट समुदाय है, जिसने 2017 और 2019 में बीजेपी के सियासी पद पर फूल बिछाए थे, अब वही कांटे बिछा सकते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बीजेपी को आखिर ये मंथन क्यों करना पड़ रहा, हमने ये सवाल सीधा दागा केंद्रीय मंत्री से ही। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने सीधा पूछा कि आखिर इस मंथन की जरूरत और नौबत क्यों आ गई है। सुनिए, जिस नेता को, जिस मंत्री को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि जाट समुदाय की नाराजगी को दूर करे, वो क्या कह रहे हैं? बीजेपी पिछले दो दिनों से मीटिंगें कर जो जाट इलाके हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तीन बिलों को लेकर के जो कंफ्यूजन है, जो भरपाई है, उसको करने की कोशिश में लगी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। बालियान साहब, बीजेपी पिछले दो दिनों से बैठक कर रही है, क्या खामियां आपको लगता है जो डैमेज हुआ है आंदोलन से किसानों के, उसको भरपाई करने के लिए आप लोग किसानों के बीच जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी उसकी? देखिए, रणनीति यही है कि किसानों के बीच जाना है, अपनी बात उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अगर कुछ अच्छे सुझाव हैं जो सरकार कर सकती है वो सरकार करने के लिए तैयार है। और बिल के संबंध में कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश का इन बिलों से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की और समस्याएं हैं,
निश्चित रूप से किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन ये बिल कहीं से समस्या नहीं, बिल से तो फायदा ही है। गुड़ मंडी के अलावा हमारे यहाँ मंडिया ही नहीं है साहब। जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन लोगों की बैठकें हुई है, कल अमित शाह, नड्डा, सब लोगों ने बैठकें ली, तो आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, इसीलिए जाट बहुल इलाकों के एमपीज, एमएलए, एक्स एमपी नेताओं को बुला करके एक्सरसाइज की गई कि कहाँ हमको टारगेट करना है, जो डैमेज हुआ उसको कैसे कंट्रोल करना है? देखिए, किसानों के बीच में सभी ज्यादातर जा रहे हैं, पहले भी बात यह है कि कुछ किसानों की बात भी होती है, उन्हें भी सुनने की आवश्यकता है, सरकार में बैठे लोगों को या हम सबको, हम वो बात भी सुनेंगे, अपनी बात भी उन्हें कहेंगे, कुछ मुद्दे आएंगे तो पार्टी नेतृत्व के सामने रखेंगे। बीजेपी का मेगा प्लान आपने समझा, संजीव बालियान की जुबानी। अब लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है, क्यों बीजेपी को अपने तमाम नेताओं को तैनात करना पड़ रहा है जाट वोटों को बचाने के लिए। नए कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत की पॉलिटिक्स ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। अलग अलग राज्यों में किसान मंच पर किसानों के सपोर्ट में बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां भी अब किसान महापंचायतों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। सबसे पहले महापंचायत की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको एक नक्शे के जरिए बीजेपी के खिलाफ मैदान में डटे चेहरों के बारे में बताते हैं, तभी नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रही महापंचायत की इनसाइड स्टोरी आपको समझ आएगी। हरियाणा में हो रही महापंचायतों में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला ने किसानों के साथ मोर्चा संभाल रखा है। उत्तर प्रदेश में हो रही किसान महापंचायतों में मोदी सरकार के खिलाफ आपको ये प्रमुख चेहरे दिखेंगे, किसान नेता राकेश टिकैत, आरएलडी नेता अजीत सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। अगर आप राजस्थान में हुई या होने वाली महापंचायतों पर नजर डालें तो सचिन पायलट, राहुल गांधी, हनुमान बेनीवाल और अब तो राकेश टिकैत भी राजस्थान की महापंचायत में आपको दिखेंगे। 2021 में बंगाल में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जहां किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे राकेश टिकैत रहते हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के आगे की रणनीति बताएं, उससे पहले राकेश टिकैत से सुनिए बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के सपनों को चूर चूर करने के लिए वो क्या करने वाले हैं। बंगाल जाना हमें, क्या है वहाँ पे भी किसान दिक्कत में बहुत, चुनाव भी तो है, चुनाव का नहीं पता, मैं किसान बहुत दिक्कत में वहाँ का, तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ के किसानों की दिक्कत दिखती है? नहीं, सारी जगह की दिख रही, वहाँ पे जरूरी है, पहले जाना पड़ेगा वहाँ पे। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेट आते हैं, बिहार आता है, झारखंड आता है, आप सबको बाईपास करके बंगाल क्यों जाना? नहीं, बंगाल समुद्र के नजदीक है, वहाँ का मछली का किसान भी दिक्कत में है, भारत बहुत इंपोर्ट हो रहा है वहाँ पे, पूरा मछुआरा मर गया वहाँ का। पंजाब, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के बाद अब राकेश टिकैत की नजरें बंगाल पर है, जहाँ चुनाव है और बीजेपी ने अपनी चुनावी मशीनरी को लगा रखा है। बीजेपी के लिए जगह जगह हो रही किसान महापंचायत खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि खाप पंचायतें नए कृषि कानून के विरोध में हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पश्चिमी यूपी में जाट नाराज हैं, वहीं पश्चिमी यूपी में कहा जाता है जाट जिसके ठाट उसके। आप जाट फैक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट समाज की आबादी करीब 17% है। पश्चिमी यूपी में दलित और मुसलमानों के बाद तीसरा नंबर जाट समाज का है। सूबे की करीब 120 विधानसभा सीटों पर जाट समाज का असर है, यानी यूपी की सत्ता का बड़ा फैक्टर जाट समाज है। पश्चिमी यूपी के जाट फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी अब मैदान में उतर रही है, क्योंकि आरएलडी और कांग्रेस पहले से ही महापंचायतों के जरिए अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको ये तस्वीर याद होगी, प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही किसान महापंचायत में मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही थी। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं, वे राक्षस रूपी कानून है, जो किसान को मारना चाहते हैं। आप इन कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अब आप हरियाणा की तस्वीरें देखिए, जहां महापंचायत हो रही है और महापंचायतों का सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत है। वैसे तो टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महापंचायतों में हिस्सा लेने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। अभी बिल वापसी की बात करी है,
सरकार कान खोल के सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे। हरियाणा में जाट समाज किंग मेकर के रोल में है। अगर जाट बीजेपी से दूर हुआ तो सरकार पर संकट 100% है। वहीं राजस्थान में किसान महापंचायत हो रही है। अलवर में टिकैत गए, जाट समुदाय से आने वाले हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ दिया, वो भी जाट समाज से है। सचिन पायलट ने दौसा में महापंचायत की, जिसमें राजस्थान के गुर्जर किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए, क्योंकि सचिन पायलट को गुर्जर नेता माना जाता है। नजर है राहुल गांधी भी राजस्थान में हुई किसान महापंचायत में गए थे। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, उत्तर प्रदेश के दिल में बीजेपी राज करती है और अब उसी दिल पर विपक्ष अपना राज कायम करना चाहता है। यानी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि किसानों के साथ साथ अब जाट समुदाय के गुस्से को शांत किया जाए। आज तक ब्यूरो। बीजेपी की चिंता की वजह तो आप समझ गए और इसीलिए अपने नेताओं को वो तैनात कर रही है, लेकिन पंजाब में क्या होगा? पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, कोशिश की कि वहां पर वो अपनी जमीन बचाए। कैप्टन अमरिंदर पर हमला भी किया, उनके कुछ बयानों पर सियासत भी की, लेकिन कैप्टन अमरिंदर उन सधे हुए नेताओं में से एक है जो नपी तुली बात करता है, सच्चाई रखने की हिम्मत रखता है, और शायद यही वजह है कि जबरदस्त तरीके से सबको पछाड़ते हुए कैप्टन अमरिंदर ने झंडा गाड़ दिया है किसान आंदोलन के बीच निकाय चुनाव में। पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश की नंबर वन पार्टी पंजाब के निकाय चुनाव में चौथे नंबर पर पहुंच गई। चुनाव के नतीजों को देखें तो नंबर वन पार्टी कांग्रेस, नंबर दो की पार्टी अकाली दल और नंबर तीन पर आम आदमी पार्टी, जबकि चौथे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी। इस जीत को कांग्रेस किसानों की जीत बता रही है और बीजेपी की नीतियों की हार। राजस्थान और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के परिणाम को नए कानून का रेफरेंडम बताने वाली बीजेपी खामोश है। पंजाब में अपने गढ़ में हार मिली, जबकि लोकसभा सीट से सनी देओल आते हैं, यानी गुरदासपुर, वहां बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी। अब आपको सीटों के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने नगर परिषद की 1815 सीटों में 1199 सीट जीती, अकाली दल ने महज 289, आम आदमी पार्टी ने 57, वहीं बीजेपी को महज 38 सीटें मिली। अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 350 सीट को देखें तो कांग्रेस को 221 वार्डो में जीत मिली, अकाली दल को 33, आम आदमी पार्टी को 9, बीजेपी को 20। अगर आप जीत को प्रतिशत में देखें तो कांग्रेस को तकरीबन 68.3%, अकाली दल को 14.87%, आम आदमी पार्टी को 3.04%, जबकि बीजेपी को 2.67% वोट मिले। कांग्रेस पहले दिन से पंजाब के किसानों के साथ है और इस साथ का इनाम जनता ने उसे दे दिया है। भले ही अकाली दल ने एनडीए छोड़ा हो, आम आदमी पार्टी ने खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताया हो, लेकिन छोटे चुनाव का बड़ा पैगाम यही है कि पंजाब में पहली पसंद कांग्रेस है। तो पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार को किसान, कांग्रेस पार्टी सब एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कल जो रेल रोको अभियान किसान नेताओं का होने वाला है उस पर असर होगा। किसानों का रेल रोको आंदोलन, कल 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि रेल रोको अभियान कब होगा, तो आप समझ लीजिए कि कल यानी 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किसानों ने किया है। 18 फरवरी को हजारों किसान रेल की पटरी पर बैठेंगे। किसान संगठनों की योजना है कि देश के रेल नेटवर्क को 4 घंटे तक ठप कर दिया जाए। किसानों के रेल रोको अभियान से निपटने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी की है। जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट पर हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब देखना है कि किसानों का प्लान रेल रोको अभियान से रेल यात्रियों को कितनी दिक्कतें आती हैं। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। बात पश्चिम बंगाल की, एक तरफ मुस्लिम कार्ड चला जा रहा है तो दूसरी तरफ टॉलीवुड कार्ड। जी हाँ,
पश्चिम बंगाल में कोलकाता में फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहते हैं और वहां पर एक के बाद एक सितारों की सेंधमारी की जो कोशिश है बीजेपी की वो जरा आपको आज दिखाते हैं। 12 घंटे के अंदर दो मुलाकात ने पश्चिम बंगाल की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। कल सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की तो रात करीब 10:30 बजे बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी से मिलने बीजेपी नेता पहुंच गए। दोनों तस्वीरों से बस एक ही सवाल सामने आया, क्या इन दोनों मुलाकातों का बीजेपी के सीएम चेहरे की तलाश से कोई कनेक्शन है? क्या बीजेपी का बंगाल में चेहरा कोई एक्टर होगा? फिल्म अभिनेता मिथुन ने अपने ही स्टाइल में एक मुस्कान के साथ उन अटकलों को हवा दे दी। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन दा वहाँ पे आप लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। इस मुलाकात को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि रात को बीजेपी नेता अनिर्वाण गांगुली प्रसेनजीत से मिलने पहुंच गए। अनिर्वाण गांगुली ने अपनी लिखी किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी प्रसेनजीत को भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि बीजेपी ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ये बीजेपी के संपर्क अभियान का हिस्सा है जिसमें वो दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करती है। जब बंगाल की गलियों में प्रसेनजीत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें आई तो एक्टर ने सफाई देने में देर नहीं की। बतौर बंगाली ये हमारी संस्कृति रही है कि हम मिलने आए अतिथि का स्वागत करें। मैं पहले भी इस तरह की मुलाकात का मेजबान रहा हूँ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। मैं उनकी विचारधारा की इज्जत करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपनी विचारधारा का भी उतना ही सम्मान करता हूँ। इस मुलाकात में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, मैं अभी एक्टिंग में ही फोकस करना चाहता हूँ जो कि मैं सबसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। 58 साल के प्रसेनजीत पिछले 4 दशकों से बंगाली सिनेमा के जरिए लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। प्रसेनजीत से बीजेपी नेता की मुलाकात अपने आप में कई मायने रखती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में भी प्रसेनजीत को न्योता दिया गया था जहां उन्होंने टॉलीवुड के कुछ और कलाकारों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। आयोजन के बाद चाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। एक ही दिन में दो एक्टर से मुलाकात ने अटकलों का बाजार जरूर गर्म किया, लेकिन ना ही पार्टी की तरफ से और ना ही एक्टर की तरफ से कोई साफ संकेत दिए गए। मिथुन दा ने भी मोहन भागवत से मुलाकात के तुरंत बाद साफ किया था कि ये निजी मुलाकात है। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आए तो आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आए, वो भी बम्बई में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए इतनी बातें और कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट किए, नो राजनीति नथिंग, इसको जोड़िए माते। जब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के मतलब पूछे गए तो उन्होंने भी मीटिंग के राजनीतिक मायने निकालने से इनकार कर दिया। সেজন আপনারা ওটা এখানে খিচুড়ি বানাবেন না, আরএসএস নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং আরএসএস এর লোকেরা, আরএসএস এর প্রধান বহু বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে যান, এর সঙ্গে আমার মনে হয় রাজনীতির বিশেষ যোগ নাই, তাহলে তো ওরা সবাই বিজেপিতে চলে আসতেন। কোই মহান ব্যক্তি কিসি ব্যক্তি কা সাথ ভেট করনা মতলব উনকো পার্টি মে লানা এসা কোই বাত নেই হ্যায়। মাই সমঝতা হু জো কার্ড সে ভিজিট হ্যায় অর ইস কার্ড সে ভিজিট ऐसे और लोगों से हो रहा है। दरअसल बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता पार्टी की तरफ से बड़ा चेहरा है जो उसके पास नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है जिसे बीजेपी मोदी के नाम पर कड़ी टक्कर देती रही है, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में बड़े चेहरे की गैर मौजूदगी में बीजेपी की ओर से बार बार सफाई आती रहती है। खुद अमित शाह कह चुके हैं कि बीजेपी की ओर से सीएम पश्चिम बंगाल की जमीन का ही होगा। मैंने कहा ढेर सारे नेता है, यहाँ का मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र ही बनेगा। बड़े चेहरे की तलाश में सबसे पहले बीजेपी ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से बात की। कई बार की बातचीत के बाद भी सौरव राजनीति में आने को तैयार नहीं हुए, जहाँ उनके बिगड़े स्वास्थ्य के बाद अटकलों का बाजार पूरी तरह से थम गया। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले दो बड़े चेहरे बीजेपी के जहन में हो सकते हैं, एक है मिथुन चक्रवर्ती तो दूसरा चेहरा प्रसेनजीत, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में
टॉलीवुड के कलाकारों का अच्छा दबदबा रहा है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक बड़े चेहरे की तलाश इसलिए है कि इस बड़े चेहरे को वो ममता बनर्जी के समकक्ष खड़ा कर सके और चुनाव में लाभ हासिल कर सके, और यही वजह है कि कभी सौरव गांगुली तो कभी मिथुन चक्रवर्ती और अब प्रसेनजीत का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों से बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह से सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। कैमरामैन तापस वायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। बंगाल में अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को अगर शामिल कीजिए तो ये कार्ड चल जाता है, और शायद इसीलिए स्टार पावर की होड़ मची हुई है सियासी पार्टियों में। बीजेपी में देखिए आज 5-6 शामिल हुए हैं। चक्रवर्ती लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ। पश्चिम बंगाल में अभिनेता और नेता एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड की लोकप्रियता अक्सर बंगाल में वोटों में तब्दील हो जाती है। बंगाल की सियासत में फिल्मी चेहरे अक्सर जगमगाते हैं। 4 साल पहले पार्टी कोई भी हो, बीजेपी, टीएमसी या फिर कांग्रेस, ग्लैमर के तड़के की कोई कमी नहीं, और टॉलीवुड का यह तड़का वोट बैंक को और मजबूत कर देता है। यही वजह है कि हर पार्टी अभिनेताओं को नेता बनाने का जोड़ तोड़ करती रहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक और दांव खेला। बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए। यश दास गुप्ता तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के करीबी। यश के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी, जिसका आज आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युद्ध के ऊपर बहुत भरोसा करती है, बहुत विश्वास रखती है, और उनका सरनेम देख के ये विश्वास नहीं रखती। वो ये नहीं देखते कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं। युद्ध का जज्बा और जो एक्सपीरियंस लीडर्स है उनका विजडम, आई थिंक उसी से देश को आगे लेके जा सकते। सो आई थिंक ये एक पार्टी है जहाँ पे मैं खुल के काम कर सकूंगा, और सिर्फ किसी पोजीशन या पद के लिए नहीं, पद को लेके घर में बैठने के लिए नहीं, सच में कुछ काम कर सकूं। यश दास गुप्ता बंगाल के फेमस एक्टर हैं। यश ने 2016 में टॉलीवुड से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो बंगाली फीचर फिल्म वन मोन जानिना और टोटल दादागिरी, फिदा और SOS कोलकाता में काम किया था। यश दास गुप्ता के साथ सौमिनी विश्वास, अशोक भद्र, मीनाक्षी घोष, मल्लिका बंदोपाध्याय, पापिया अधिकारी, सौमित्र घोष विश्वास और त्रिमाला भट्टाचार्य समेत कई कलाकारों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सरकार बनाने के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे, हम बंगाल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बंगाल को डेवलपमेंट करने के लिए काम करेंगे, और बंगाल को उस ऊंचाई पर वापस पहुंचाएंगे जिस ऊंचाई पर बंगाल कभी था, और आज भी वो टैलेंट है आप जैसा, सिर्फ उनको सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। बंगाल में जो नया प्रजन्म आ रहा है वो लोग सब, नया प्रजन्म मीन्स वो तृणमूल का खिलाफ में है, तो इसलिए वो लोग आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। कोलकाता में 5-स्टार होटल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ टॉलीवुड के कलाकारों के साथ लंबी बैठक हुई, जिसके बाद कई रुपए पर्दे के चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आज भाजपा में टॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने भर्ती ली है। तृणमूल में पहले से ही सेलिब्रिटी फैक्टर रहा है, तो क्या भाजपा को आज के इस कार्यक्रम से फायदा होगा, ये देखना अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में कलाकारों को पार्टी में शामिल करने की मानो होड़ मची हुई है। इससे पहले ऋषि कौशिक, पारू मित्रा, रूपा भट्टाचार्य, अनिज्ञा बैनर्जी, सौरभ चक्रवर्ती, देव रंजन, रूपंजन मित्रा, कंचन मित्रा, विश्वजीत गांगुली और नमिता मित्रा जैसे कलाकार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ही नहीं, टीएमसी में भी टॉलीवुड की एक फौज तैयार है। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दो महिला फिल्म एक्ट्रेस ने जमकर सुर्खियां बटोरी। नरेंद्र मोदी लहर में भी टीएमसी की प्रत्याशी नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। ऐसे में टीएमसी की भी टॉलीवुड में सेंधमारी जारी। अगले महीने अभिनेत्री कौशनी मुखर्जी और पिया सेन गुप्ता ने टीएमसी का झंडा थामा। वहीं इस महीने की शुरुआत में अभिनेता दीपांकर डे, भरत कौल और लवली मोइत्रा के अलावा संगीतकार शाओन खान ने टीएमसी की सदस्यता स्वीकार कर ली। माना जा रहा है कि बीजेपी भी अब पश्चिम बंगाल में टॉलीवुड के सहारे अपने वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी के पास कई राष्ट्रीय स्तर के कलाकार
पश्चिम बंगाल का चेहरा है, जिसमें रूपा गांगुली और बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी जैसे चेहरे शामिल हैं, जो बीजेपी की आवाज डटकर बंगाल में उठा रहे हैं। इन चेहरों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब बीजेपी की नजर विधानसभा चुनाव पर है, जहां प्रसेनजीत और मिथुन जैसे बड़े चेहरों पर पार्टी की नजर है। कोलकाता से पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। तो स्टार्स की सेंधमारी की तो पूरी कहानी हमने आपको सुना दी है, लेकिन अब उस बात की हम चर्चा करने वाले हैं जिसकी वजह से यहाँ राजधानी में बवाल है। जी हाँ, राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट करके कहा कि देश में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। अब आप सोचिए, देश में पहले से ही ये मंत्रालय है। फौरन गिरिराज सिंह जो कि मंत्री हैं मत्स्य मंत्रालय के, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं न्योता देता हूँ, बताए कहाँ आना है या खुद ही आ जाए, मैं जरा उनको बता दें। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की मांग करते हुए राहुल गांधी को ये जानकारी नहीं थी कि देश में पहले से मत्स्य मंत्रालय है। अब इस पर चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर रही है बीजेपी। आइए आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह से, इस पर बात की हमारे सहयोगी मौसमी सिंह ने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर किसानों के लिए एक मंत्रालय दिल्ली में हो सकता है तो आपकी मौजूदगी शायद उनको स्वीकार नहीं है या मंत्रालय उनको पता नहीं है, क्या कहेंगे? मुझे तो लग रहा है कि ये नहीं पूछे कि देश में अब एक और प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता है, ऐसा ज्ञान शायद राहुल गांधी को छोड़कर के देश में किसी को नहीं हो सकता जो पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं। ये है कि जिसे देश का दशा और दिशा नहीं पता, जो विपक्ष का नेता है और वो ऐसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और मैं अब कहता हूं उनसे कि राहुल जी अगर मोदी जी को पहचानना हो तो जरा मोदी जी ने जो विभाग 2019 में बनाया है उस विभाग को जान ले, मैं बता देता हूं जी। आपके नाना जी 1947 से लेकर के 2014 तक जो उत्पादन हुआ मछली का रिकॉर्ड, वो 100 लाख टन हुआ, यानी 10 मिलियन टन। मोदी जी ने कितना किया अपने कार्यकाल में? 150 लाख, 15 मिलियन। आपके नाना जी के काल से अब तक 14 तक 3682 करोड़ ही इस सेंट्रल एलोकेशन हुआ जी। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 27,000 से ज्यादा का निवेश का प्रपोजल दिया। ये है मोदी जी का काम करने का तरीका। इसलिए जिस विभाग को आप देखेंगे उसी में मोदी जी का चेहरा दिखेगा। पर आपको ताज्जुब हुआ गिरिराज जी, क्योंकि आपने निमंत्रण भी दिया है कि आप हमारे मंत्रालय आइए, हम आपको विभाग भी दिखाएंगे, ताज्जुब हुआ आपको कि राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं थी? आपने पूछ दिया, मैं तो एक घंटा तक क्रॉस किया सारे, जब मेरे सामने देखा थमकाना ये हो नहीं सकता, ANI का क्रॉस किया और कई लोगों, तब मैं चुप हो गया इनके ज्ञान पर। और तब मैंने उनको इटली के भाषा में ट्वीट कर दिया कि ये तो जान लोगे और आग्रह कर रहा हूँ कि वो आवे मेरे विभाग में देख लें कि कृषि मंत्रालय के साथ कृषि भवन में मछली के लिए तो राहुल गांधी को हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, इटली में क्यों, इटालियन में क्यों ट्वीट किया आपने? अरे ज्यादा वो जो पूछे हैं, आप जाएंगे इटली में तो आपको पता चल जाएगा कि वो इटली से ही भारत को देखते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। स्मृति ईरानी ने भी उसको रीट्वीट किया, उन्होंने भी इटालियन में कुछ लिखा, क्या लिखा उसमें इटालियन में, शायद सहमति जताई है आपसे। अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा ट्वीट पे कि ये है मंत्री और ये है मंत्रालय, उन्होंने आपका ट्विटर हैंडल। भाई अब तो मुझे लगता है कि उनको हर विभाग दिखाना पड़ेगा, हर मंत्रालय घुमाना पड़ेगा, और मोदी के कार्यकाल का एक एक विभाग का रिपोर्ट देखना पड़ेगा। जिस कृषि का गुणगान गा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अपने कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में केवल
88,000 कुछ सौ करोड़ का बजट रहा जी, मोदी जी ने 4,87,000 अपने ट्वीट में भी वो लिखा। हाँ। पर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता नंबर वन माने जाते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता ये मानते हैं और भावी प्रधानमंत्री होने का भी सपना देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सार्थक हो पाएगा इस तरह से? इतने अच्छे ज्ञान से भगवान न करे कि कोई प्रधानमंत्री हो, इतना बड़ा ज्ञान हो जिसे देश का दशा और दिशा का ज्ञान नहीं हो, जो गरीबी सीखता हो, कलावती के घर में जाकर के रात बिताता हो, जो सिंधु बॉर्डर को कहता हो शंभू बॉर्डर, अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, केवल उन्हें प्रणाम कहूँगा, कहूँगा आइए महाराज मेरे विभाग में, मैं आपको बता। स्पेशल रिपोर्ट में से के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।